हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आप सबके लिए एक मैं सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ, और यहाँ पे मेरे साथ है आनंद कुमार। आनंद बेसिकली झारखंड बोकारो से बिलोंग करते हैं, और इनका ऑफ कैंपस में BNY मिलन में सिलेक्शन हुआ है। ऑफ कैंपस में इन्हें 10 लाख से ऊपर का ऑफर मिला है। प्लस हम ये सोचते हैं कि हमारे अटेम्प्ट्स लग गए तो क्या ऑफ कैंपस में जॉब्स मिलेगी। तो आपको आपके सामने रियल एग्जाम्पल है आनंद का। आनंद का अटेम्प्ट्स भी लगे बट फिर भी ऑफ कैंपस में एक हाईएस्ट पैकेज इन्होंने सिक्योर किया है। तो इट ऑल कैन बी पॉसिबल अगर आपको सही मेंटरशिप दी जाए। हाय आनंद, कैसे हो आप? थैंक्स सर। एंड आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक्स फॉर आस्किंग। एंड कैसा फील हो रहा है आपको BNY ज्वाइन करने के बाद? आपने ऑलरेडी कंपनी ज्वाइन कर ली है। ये सर बहुत अच्छी फील आ रही है सर, क्योंकि तो मेरी मैं मैं बताया मैं मैंने फर्स्ट सैलरी भी रिसीव कर लिया है। ठीक है, 12 डेज की, तो वैसे अच्छी फीलिंग आ रही है अंदर से। बिल्कुल माय गॉड, सो बहुत अच्छी बात है, भगवान को भी थोड़ा थैंक्स कह देना आप। बिल्कुल, एंड थैंक यू आपको भी फॉर मेंटरशिप। या थैंक्स। अच्छा, लाइक जब आपको ऑफर मिला तो क्या आपको बिलीव हो रहा था कि यार ये मेरा ही ऑफर लेटर है? फर्स्ट टाइम तो एक्चुअली मैं एचआर से जब कॉल आया, तो मैं ये था, मुझे बस था जो कॉल आया एचआर की ना, तो मेरी फोन चोरी हो गई थी। ठीक है, तो मैं नंबर उनका सेव नहीं था मेरे पास, तो मैं देखा कि एचआर शायद हुई है क्या, तो बताया कि यू आर सेलेक्टेड इन BNY। तो मैं थोड़ा शौक में था, भाई सच में कॉल है कि मुझे फ्रॉड कॉल आ गया मुझे। ठीक है, तो फिर जब मैंने दोबारा बात किया, क्या बात करते समझ आया कि हाँ वो एचआर की मतलब BNY से है। ठीक है, उन्होंने बताया कि क्या नाम है आपको 10 लाख पैकेज के, मतलब हम लोग सीएमए को फ्रेशर जो है उसको 10 लाख सैलरी का ऑफर करते हैं, तो आपको 10 लाख जो भी मिलेगी। ठीक है, तो वो पूछी कि मतलब आप कंफर्टेबल हो उसके लिए। उन्होंने यस व्हाई नॉट, आई एम रेडी टू ज्वाइन योर कंपनी। ओके, तो मैंने ना तुरंत बोल दिया ठीक है। तो बोले ठीक है, मैं आपको लिंक सेंड शेयर कर देती हूँ, जो भी डिटेल है आप उसे फिल कर लो, और फिल करने के बाद मुझे आगे। तो उसका पता मैंने पहला काम यही किया कि मैं पेरेंट्स को नहीं बताया, मैंने पेरेंट्स को बताया नहीं कि मेरी आ चुकी है। ठीक है, फिर मैं जब 3 4 दिन के बाद जब हुआ, ठीक है, उसके बाद मैं पेरेंट्स को बताया। ठीक है, और वो जो होता है जब ऑफर लेटर हाथ में आती है ना, तो ऑफर लेटर उसमें टाइम मिले बाद में मुझे, वो एक अलग फील होता है। बता रहा हूँ हर स्टूडेंट को बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी फील होती है, लगती है उसमें आपके नाम लिखे रहते हैं। ठीक है, सारा सैलरी का डिटेल जो जितना हम लोग क्या नाम है होता है ना, कि जितना हम लोग हार्डवर्क किए वो हम लोग पे ऑफ होता है, तो ऑब्वियसली अच्छी अच्छी फील होती है। बिल्कुल या राइट राइट राइट। बिल्कुल सो अच्छा, ये ड्यूरिंग दी जर्नी जो आपके आपकी जर्नी मेरे साथ रही, वो आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। ठीक है, जैसे मैं 2 3 पॉइंट में रखना चाहता हूँ आपको लेकर। ठीक है, पहला बात कि आपका मेंटरशिप में मैंने मुझे सबसे बेनिफिट क्या मिला, जैसे आपने बताया था कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने बताया था मॉक इंटरव्यू में कि आपको कभी भी किसी प्रीवियस इंप्लॉयर के बारे में निगेटिव कुछ भी नहीं मतलब कमेंट करना है। ठीक है, उसे हमेशा कोशिश कीजिए उसे हमेशा पॉजिटिव कमेंट देने का। सेकेंड, आपने बताया कि जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, तो इंग्लिश में ही बात करना सीखो। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में बात करने की कोशिश मत करो, खासकर एमएनसी में। एमएनसी तो हिंदी प्रिफर ही नहीं करती है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप उसमें इंग्लिश में ही बात करो, मे बी आप लोकल इंग्लिश बोल रहे हो। ठीक है, ऐसे भी कोई विलियम शेक्सपियर किसी को बनना नहीं है। ठीक है, बनना सबको इंटरव्यू देना है। ठीक है, तो अभी जानते हैं इंटरव्यू देने वाले। ठीक है, तो कोशिश करना है कि हमें इंग्लिश में बात रखनी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में बता रहा हूँ, जिससे आपने बताया था कि अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक है, आप कैसे चीजों को एक्सप्रेस करते हो, क्योंकि इंग्लिश में होता है क्या, जब हम बोलते हैं तो बहुत सी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपने वो पॉइंट बोला था कि आप एक्सप्रेस करना सीखो। ठीक है, वो मुझे काफी हेल्प की। ठीक है, ये हो गया आपकी जो मेंटरशिप बता रहा हूँ। ठीक है, आउट ऑफ द में मुझे क्या हेल्प मिला, जिससे आपकी जो बुक है वो मुझे काफी हेल्प की। ठीक है, उसे मैंने बहुत बहुत सा पॉइंट मैंने पढ़ा था। ठीक है, जो मेरे और भी मैंने इंटरव्यू दिया था, सिर्फ यही नहीं, और मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट है जो मैंने ऑब्जर्व किया कि आपके मेंटरशिप से मुझे बेनिफिट मिली है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे भी लाइक कंफ्यूजन में रहते हैं कि CMA का स्कोप ऑफ कैंपस में शायद नहीं है। तो क्या आपको ऐसा फील हुआ कि ऑफ कैंपस में CMA के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है? नहीं, ये तो मैंने बिल्कुल नहीं फील किया। मैं आपको फ्रेंडली बता दे रहा हूँ कि मुझे प्रॉक्स 13 से 14 कंपनी में मुझे अभी तक मेल आ चुका है, ईमेल आ चुका था। ठीक है, कि अगर आपको इंटरव्यू देना है, तो इनफैक्ट मैंने आपको कॉल कर बताया भी था कि सर मुझे कॉल आ रही है, मैं खुद ही रिजेक्ट किया क्योंकि मेरी सैलरी समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, आपने बताया था कि नहीं, जिस इंटरव्यू तो दो तुम्हें सीखने को मिलेगा, बट अगर ये कोई बोलते कि नहीं CMA बनने के बाद ऑफर नहीं आता, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आदर उनके पास वो उन्होंने ढंग से ट्रेनिंग नहीं किया है। ठीक है, या आदर वो लोग अपने अपने आप को ये अच्छे से इलेबोरेट नहीं कर पा
रहे, अपने आपको अच्छे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, 13 से 14 कंपनी मुझे ईमेल आया थी, अभी मैं ईमेल पढ़ा हुआ है, इनफैक्ट तो मेरे पास जेनपैक का ईमेल पढ़ा हुआ है, ठीक है। जेनपैक का मेल ऑन कैंपस में आ चुका है, और मुझे ऑफ कैंपस भी, ऑफ कैंपस भी 4 बार आ चुका है, ऐसा मैंने कहा। टोटल मेरे पास 5 बार जेनपैक आया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये बेसलेस पॉइंट है। तो कोई बोलते हैं कि नहीं सीएमए बनने के बाद कोई ऐसा नहीं है, हाँ प्रॉपर ट्रेनिंग होगी तो ऑब्वियसली बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप डमी बनवाए हैं तब भले ही कॉल आ जाए, बट मे भी प्रॉब्लम थोड़ी फेस करनी पड़े, ये मेरा मानना है। अच्छा, मैंने आपको जो अपने रिज्यूम का टेम्पलेट दिया था और जो मैंने अप्रोच आपको बताया Naukri.com पे, तो क्या वो सारी चीज़ें काम कर रही थी आपके लिए? हाँ, मैं बताता हूँ, ठीक है। टेम्पलेट्स को लेकर, ठीक है, अगर आपके टेम्पलेट्स को मैंने, जब मैंने मतलब बनाया, ठीक है, तो मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि यार बड़ा सिंपल टेम्पलेट्स है, लोग तो इतने तलग भड़क टाइप बनाते हैं, होता है ना कुछ फोटो यहाँ कुछ यहाँ, मतलब तो कलरफुल टाइप के, ठीक है। तो मैंने बोला बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मुझे बोला चलो टेम्पलेट होगा तो आपका मेंटरशिप जरूर, आपको कुछ हमारे ज्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। तो मैंने जॉब स्कैन में चेक किया था, ठीक है। आई थिंक बहुत लोगों को पता नहीं होगा जॉब स्कैन के बारे में, उसमें स्कोर चेक होती है, ठीक है। तो जॉब स्कैन मैंने चेक किया तो स्कोर पता बहुत ज्यादा था, अप्रॉक्स 70 का स्कोर था, मुझे अभी भी याद है। तो अगर बोला था कि 70 का स्कोर आ रहा तो आप समझ लो आपकी जो सीवी है 90 to 95% शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी, ये चांसेस तो कम भी बढ़ाती है, ठीक है। और मैं बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि आपकी जो टेम्पलेट्स है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट टेम्पलेट्स है फॉर एवरी सीएमए स्टूडेंट एंड फॉर द सीएमए पास आउट स्टूडेंट, ठीक है। सबके लिए उसमें बेस्ट टेम्पलेट्स है मेरे अकॉर्डिंग। और क्योंकि उस टेम्पलेट में सबसे अच्छा क्या रहा कि ना उसे वो 80 आपके अच्छी तरह से काम कर, तो मैंने इसी कारण से मेरी इतनी शॉर्ट लिस्टिंग भी हुई थी। 14-15 कंपनी में मुझे शॉर्ट लिस्ट कर लिया था, क्या नाम है, फॉर इंटरव्यू पर्पज, ठीक है। मुझे 7-8 महीने दिया भी, ठीक है। तो आपकी टेम्पलेट्स बहुत अच्छी थी, मैं अभी बोलूंगा ये मुझे मुझे काफी हेल्प की है, एंड फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच अगेन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स को ऑफर्स मिलते हैं, जॉब्स अच्छी कंपनी में मिलती है, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, और उनके फ़ोटोज मैं देखता हूँ सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो काफ़ी अच्छा बिल्कुल लगता है। तो बिल्कुल, अच्छा, आपको मेरे मेंटरशिप के बारे में आपको कैसे मालूम चला? हाँ मुझे पता चला एक्चुअली मेरे एक सीनियर्स थे, ठीक है, सीनियर्स थे प्लस साथ मैंने ऑफिस में उन्होंने काम किया है, ठीक है। वैसे क्वालिफाइड काम किया तो मैं क्वालिफाइड उसमें था, ठीक है। तो मैंने पूछा था कि क्या नाम इंटरव्यू रिगार्डिंग कौन सा सही रहा, क्योंकि मेरे इंटरव्यू को कोई खास एक्सपीरियंस था नहीं, मैंने दिया था पहले भी इंटरव्यू बट बहुत फ्रूटफुल वो नहीं रहा था, ठीक है। मुझे मीन्स आई वॉन्ट सम पाथ फॉर करेक्ट इंटरव्यू ऑल्सो, ठीक है। तो मैंने उन्होंने बात किया उनसे, ठीक है, कि आप बताओ, तो उन्होंने बताया आपके बारे में क्या था, ठीक है, एक रोहन शर्मा एक है तो आप उनको आके आप रेफर कर सकते हो, उनकी अच्छी अच्छी खासी गाइडेंस रहती है, ठीक है। मैं बोला कि वो मैं बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहे, तो बोले कि देखो इंटरव्यू रिगार्डिंग तुम्हें बताएंगे, ठीक है, ठीक है, कैसे तुम्हें ऑन कैंपस एज वेल ऑफ कैंपस, ठीक है, ये दोनों में हेल्प करता है। ऐसा नहीं होता ना किसी ऑन कैंपस कर दिए छोड़ दिए, ऐसे बहुत सारे टीचर मैंने देखा है, ठीक है, कि ऑन कैंपस हुआ छोड़ दिए, ऐसा उनका सीन नहीं है, ठीक है। वो ऑफ कैंपस में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर तुम्हें ऑन कैंपस में नहीं मिला तो ऑफ कैंपस में बहुत सारे तुम्हें जॉब खुद ही बताएंगे, ठीक है। अगर हाँ तो रेफर भी करते हैं अपने अपने के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तुम्हें काफी हेल्प करेंगे। सेकंड क्या है कि इनका जो जीडी राउंड चलता है, जो ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, वो भी तुम्हें हेल्प करेगा, ठीक है, ये समझने में क्या चीजें बोलनी कैसे। तीसरी क्या, इनका जो मॉक इंटरव्यू चलता है, ठीक है, वो काफी हेल्प करेगी, ठीक है। तो जो मेरे सीनियर थे मंटू कुमार सिंह नाम था, ठीक है, बता रहा हूँ कि अभी जेपी कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, उन्होंने आपको रेफर किया, आपके बारे रेफर किया था कि तुमसे ज्वाइन कर लो। एक्चुअली मैं कहीं और भी देखा था, ठीक है, बट देखा कि ना क्या नाम है वो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। मेरे फ्रेंड बताओ मुझे उसमें क्लास उतना समझ, क्योंकि मैंने देख ही रहा था, एक होता ना कि पास आउट होने सब कुछ एक्सप्लोर कर रहा था, तो मुझे आपकी काफी अच्छी लगी, ठीक है। और प्लस सबसे बड़ी बात, अच्छी बात क्या पता ना, कि क्वालिटी है एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट हमें पता है कि क्वालिटी प्लस कॉस्ट इफेक्टिव बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है। राइट। तो बस दोनों है, कुछ इफेक्टिव है क्वालिटी भी। एक्चुअली ना, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा टारगेट ये नहीं था कि मुझे बहुत पैसे अर्न करने इस चीज़ से। मेरा टारगेट ये था कि मैं अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर सकूं, इसलिए बहुत मैंने एक मिनिमम प्राइस रख रखा है। हाँ वही मैंने देखा है क्या हम, और मैंने और भी मैंने मैंने देखा हुआ है कि आपकी मतलब आपकी सच में मतलब बहुत कम है। मैंने लोगों को देखा हुआ है वो कोई 9,000 कोई 10,000 कोई ये वो मतलब दिस दैट चार्ज करते हैं, आपकी 3,000 था। मैंने जिसने मैं देखा ना, मैंने तुरंत बता रजिस्टर करवा लिया, तुरंत रजिस्टर करवा लिया, तुरंत मैंने 1 मिनट वेट नहीं किया था आपसे, तो 2-3 मिनट में बात किया था, और मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो मुझे अभी याद है आप बाहर में, आपसे दिल्ली में थे, तो मैं तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लिया, बोला राइट। भाई अब रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो मुझे काफी अच्छा अच्छी लगी आपकी। आप थोड़ा सा अपने सीएमए जर्नी के बारे में बताओ, जैसे आपके क्या अटेम्प्ट्स लगे सीएमए में, या फिर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम्स को क्लियर किया था? हाँ
जैसे मैंने मेरी जो फाउंडेशन थी, ठीक है, मैंने फाउंडेशन ग्रेड मेरे 12 में ले लिया था, ठीक है, तो मेरी फाउंडेशन जो थी फर्स्ट ग्रेड में निकल गई थी, वो मेरे पार्ट 1 में एडमिशन से पहले निकल गया था, ठीक है, मैं प्रोविजनल बेसिस पे लिया था एडमिशन, तो मेरी के मैंने क्या हुआ कि 12 रिजल्ट आया और मैं तुरंत एग्जाम दे रही है, तो मेरी इधर से मेरे ग्रेजुएशन में भी एडमिशन हुई और साथ साथ में मेरी फाउंडेशन भी क्लियर हो गई, ठीक है। फिर मैंने ग्रुप 1 दिया, ठीक है, तुरंत मतलब जो भी है 8 से 9 में मेरी टाइम लगी, ठीक है, मैंने ग्रुप 1 दिया, तो भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया, वो मैंने मैंने उसकी क्लास ली थी, ठीक है। ग्रुप 2 थी जो, वो भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, और मैं बता रहा हूँ 3 सब्जेक्ट मैंने सेल्फ स्टडी किया था, सिर्फ मैंने 1 सब्जेक्ट का क्लास लिया था, ठीक है, विद थोड़ा बहुत मैंने हेल्प किया था, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं कंप्लीट पढ़ाऊँ, थोड़ा बहुत मैंने हेल्प किया था साइड साइड से, ठीक है, बट ऑलमोस्ट 3 सब्जेक्ट मैंने खुद ही किया था, ठीक है। और फिर जब मैंने कंप्लीट कर लिया ग्रुप 2, ठीक है, उसके बाद मैंने अपना आर्टिकलशिप इंटर्नशिप स्टार्ट करी, क्योंकि मेरे दिमाग में एक पॉइंट था हमेशा से रहा है कि मुझे डमी नहीं बनाना था, ठीक है, चाहे मुझे कोई भी वजह, मुझे डमी नहीं बनाना, ठीक है। तो मैंने डेयरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी डेयरी प्रोडक्ट की, तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, 6 महीने में आर्टिकलशिप कम्प्लीट की, और आर्टिकलशिप के बाद क्या हुआ कि क्या नाम है, मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया ग्रुप 3, ठीक है, मेरी अटेम्प्ट लगी, मैं फेल हो गया, वो मेरे सेटबैक था वो, ठीक है। फिर मैंने फिर क्या बाइक जो बोलो आप कि कोविड आ गया, कोविड आया तो मैंने फर्स्ट एग्जाम जो मिस कर दिया था, उसके बाद क्या हुआ कि इसे मैंने 1.5 साल 2 साल में निकल गई, ठीक है। फिर मैंने TCS के टाइम एग्जाम दिया तो फिर मेरी अटेम्प्ट लगे, उसमें क्या विकेट मैं शॉर्ट कर गया, ठीक है। और फिर मैंने जब थर्ड अटेम्प्ट दिया, ठीक है, उस टाइम मेरी निकल गई, ठीक है। और उसके बाद में टफ क्या था कि मुझे जॉब करनी थी साथ में, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, ठीक है, तो मैंने फिर जॉब ज्वाइन कर लिया, और जॉब ज्वाइन करने के बाद लगभग फिर मैं तुरंत तुरंत में अपेयर हो गया, मतलब मैं तुरंत तुरंत अपेयर हो गया कि तुम एग्जाम दे देना है मुझे, ठीक है। तो मुझे ब्रेक लगे क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था, 1 महीना पढ़ के मैं गया, तो ऑब्वियसली कोई नहीं पढ़ा ऐसे पास नहीं होते लोग, ठीक, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं समझा कि हार्ड वर्क मुझे करना पड़ेगा। फिर सेकेंड अटेम्प्ट जब मैं बैठा ग्रुप 4 के लिए, ठीक है, 2 महीने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत जम की पढ़ाई की, बहुत बहुत 10 से 12 घंटा मैं लगा दिया, ठीक है, जो वह देखा जाएगा भाई इसका तो पढ़ के निकल रहा है, ठीक है। और फॉर ब्लेसिंग ऑफ द गॉड्स एंड पेरेंट्स एंड सब लोग के ब्लेसिंग से, ठीक है, मैंने ग्रुप 4 क्वालिफाई कर दिया, ठीक है। और मुझे भी याद है फोन मेरे हाथ में थी, ठीक है, जो उसमें हाथ लिखा का हुआ रहता है ना, हाथ फाइनल कंप्लीटेड, हाँ का फाइनल कंप्लीटेड, मैं बता रहा हूँ हर स्टूडेंट को बता रहा हूँ, ठीक है, वो जो फील होती है ना, सारे बिलिंग को कॉन्ग्रेचुलेशन। साइड कर दो आप, ठीक है, आपके पास 50 लाख की पैकेज आ जाए, ठीक है, शायद उसे वो बीट नहीं कर पाएगी, जो ये तो फीलिंग है। तुम्हें तुम्हें सही में बनने पर रहती है, बिल्कुल सो जब ऐसे में आपने जर्नी रही। जब आपने घर पे बताया तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? हाँ मम्मी पापा तो मैंने क्या ही बोला, मैं तो पहले सबसे पहले मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, भाई लगता ना उस टाइम ना मेरे मम्मी ने रिसीव कर पाया, मम्मी ने कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, ठीक है, पापा ने भी रिसीव नहीं किया, क्या हो गया सबको, कोई कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे, ठीक है, मैं रो ही जा रहा हूँ, आंसू निकले जा रहे, ठीक है। और पता है मैं जिस पीजी में रहता हूँ ना, उस पीजी में तीनों के तीनों सीएमए कर रहे हैं, अजीब बात ये है, एक तो मेरे कजन नहीं है, ठीक है, प्लस एक और है, वो भी सीएमए ही कर रहा है, तो सब सीएमए कर रहे हैं, वो लोग फाइनल में पहुंचे, मैं फाइनल निकल गया, ठीक है, ऐसा था। तो उन लोगों का फाइनल निकला हुआ था, उन लोग इंटर क्लियर हो, मैंने फाइनल क्लियर हुआ, ठीक है, वो भी रो रहे हैं, मैं भी रो रहा अपने अलग से, ठीक है। उसके बाद मम्मी बताया मैंने, ठीक है, तो मम्मी को पहले विश्वास नहीं हुआ कि निकल गया, ठीक है, तो फिर रिपीट करना पड़ा वापस से, मैं सी में निकल गई, ठीक है, वो तो क्या ही बोलो, इमोशनल मोमेंट था, सब रोने लगे, ठीक है, क्योंकि मैं पीजी में था उसमें सब रो रहे थे, खासकर मेरी एल्डर सिस्टर जो है, ठीक है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे एल्डर सिस्टर, मेरे फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा है, मेरे एल्डर सिस्टर है, चाहे मेरे जो एल्डर ब्रदर है, क्योंकि घर में छोटा हूँ, ठीक है, चाहे मेरे एल्डर ब्रदर है, वो लोग का सपोर्ट मेरे पीछे बहुत रहा है, बहुत 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 रहा है, ठीक है। जैसे बोला था कि पेरेंट का सपोर्ट जितना जरूरी उतना बाकी लोगों में जरूरी है, तो मेरा मानना है कि सब लोगों का सपोर्ट मेरा बहुत रहा, मेरी भाभी है घर में, ठीक है, उन लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, ठीक है, और पेरेंट का सपोर्ट तो हमेशा से रहता है, तो बोलने वाली बात ही नहीं है, ठीक या है, राइट। फैमिली में मेरा सपोर्ट अच्छा रहता रहा, बिल्कुल सो एट द एंड आपके पास अब एक अच्छी जॉब है, आपकी फैमिली आपसे बिल्कुल खुश है, और एक CMA भी अब बन चुके हो। तो आपने जो सोच के CMA ज्वाइन किया था, क्या जो CMA कोर्स क्वालिफिकेशन आपको फुलफिल करके दे रही है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है मेरे ख्याल से बोलना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने कम पैसे की मतलब जैसे इसकी कोस्ट बहुत कम है, ठीक है, सीएम की सबको पता है, इसमें मेहनत मांगते हैं, ठीक है, कि लोग पैसे तो वैसे बहुत कम लगते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता बताता हूँ मेरी जो टोटल मेरी खर्च हुई है, ठीक है, अगर पीजी खर्च को मैं पीजी का जो एक्सपेंस उसको एक्सक्लूड कर दूँ, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई को लेकर, तो मेरे अप्रोक्स लगभग 1.5 लाख खर्च हुई है, मैं बता दे रहा हूँ, शायद 1.5 लाख ज्यादा, 1.5 लाख ज्यादा कम ही हुआ हो, कम ज्यादा नहीं हुआ हुआ, ठीक है,
सो मुझे क्या जॉब के थ्रू में मुझे उससे मैं रिकवर कर लिया, फिर मेरी 8,000 मेरी वो इंटर्नशिप पे उसमें मैं रिकवर कर लिया, मुझे रखा जाए तो मुझे कुछ पैसा लगा ही नहीं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने कोर्स किया है, ठीक है। और क्या नाम है, बहुत फ्रूटफुल था। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को भी, अगर मैं फ्यूचर में कुछ सजेस्ट करो? खोलना चाहूँ, बिल्कुल सजेस्ट करूंगा। मैं कोई नहीं बोलूंगा कि वो तो बोलते नहीं सीए कर लो, सीए में क्या करना भाई, जब मेहनत ही करना। तो मुझे एक ही क्वेश्चन है भाई, क्यों नहीं करना है? सो बताओ, क्या तुम्हें जॉब नहीं दे रही है? जॉब तो दे ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई कोई नल्ला बैठा हुआ है, ठीक है। होता है ना कि ठीक है, कुछ मेहनत करना पड़ेगा, किसी को 1 महीना लगेगा, किसी 3 महीना लगेंगे, बट जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा मानना, ठीक या करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल सो आपने काफी सारी चीजें बताई। अच्छा, इंटर्नशिप के बारे में आप थोड़ा सा बताओ कि लाइक कितने पीरियड की इंटर्नशिप कम से कम बच्चों को करनी चाहिए, और फॉर्म में कंपनी में क्या अच्छा रहेगा इन शॉर्ट? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को एटलीस्ट एटलीस्ट मुझे लगता है कि 15 मंथ का जो आर्टिकल से बुक करना चाहिए कम। मैं एटलीस्ट बोल रहा हूँ, ये मैं मैक्सिमम नहीं बोल रहा, मैं एटलीस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। ये करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे बच्चे ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बहुत बैकफुट में आ जाएंगे, ठीक है। और प्लस क्या है ना कि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो अभी ओल्ड सिलेबस में है, रिव्यूज सिलेबस में स्विच किए, वो लोग 6 महीने का आर्टिकल से को लेकर चल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, कैंपस में से बहुत प्रॉब्लम, चाहे ऑन कैंपस रहे चाहे ऑफ कैंपस रहे, कंपनी रिक्वायर्स नहीं करती उसे, कंपनी उसे नहीं रिक्वायर्स करती, क्योंकि 6 महीने में लोग बच सकते कितने मुझे पता है, ठीक है। इसी कारण से मैंने 6 महीने की, और 12 महीने में एडिशनल कर लिया अलग से, भले वो मेरी जॉब चला मेटर, बट मैंने काम तो सीखा हुआ था, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि हर बच्चे को एटलीस्ट 15 मंथ का ट्रेनिंग कंप्लीट करना चाहिए, और कभी भी डमी नहीं बनाना चाहिए, डमी बिल्कुल ना बनाए, डमी जितना हो सके डिवाइड करे, ठीक है। और बात रहा फॉर्म का, मेरा मानना है कि जब आप पास होते हो तो लोग आपके काम को फोकस करते हैं, क्योंकि हम हमें सीमेंट फ्रेशर ट्रीट किया था, ना कि हम कोई बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं, ठीक है। तो जहां भी आप हो काम सीखो, ठीक है। खासकर मैं 3 अकाउंटिंग कोर्स सीखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हें दिन भर कोई असिस्टेंट का जॉब ले लिया और तुम्हें इस एक्सपीरियंस में काउंट करो, कोई काम नहीं आने वाला, ठीक है। तुम्हें बेसिकली अकाउंटिंग कोस्टिंग जो भी तुम सीख रहे हो प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज लेनी चाहिए, और तुम काम कहीं भी सीखो। मेरे जो 1 साल की ट्रेनिंग हुई ना, कंसल्टिंग फर्म थी, सीए की फर्म थी, ऐसा बात नहीं, वो मेरे को कंपनी थी, ठीक। मैंने कंपनी में काम किया है, बट मैंने फर्म थी कंसल्टिंग वाली, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मुझे रिक्वायर्स नहीं किया, रिक्वायर्स तो कर ही रहे हो लोग, ठीक है। तो अगर किसी के अंदर है कि नहीं कंपनी में ही करना है, तभी मुझे जाके कैंपस होगा, तो मुझे नहीं लगता ये मतलब कि बहुत ज्यादा सही है। सही सही तरीका है बोल बोलने का, ठीक है। तो मेरे मानना कि ट्रेनिंग एटलीस्ट 50 मंथ करी चाहिए, मैंने 18 मंथ किया हुआ है, मैं बता रहा हूँ अपने बारे में, ठीक ओके, है। ग्रेट ग्रेट, थैंक्स। आपने काफी सारे पॉइंट्स आपने ऐड किए अपनी जर्नी के बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में, एंड होप सो कि आप लाइफ में और भी अचीवमेंट लो अब बस और आगे बढ़ते एक हो बार मैं जाओ। बोलना चाहता हूँ, एक बार मैं बोलना चाहता हूँ, तो एक लाइन थोड़ा सा, ठीक है, सॉरी मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। कि हर स्टूडेंट को मैं एक ही चीज बोलूंगा, प्लीज फोकस ऑन हार्ड वर्क रेदर देन योर लक, बिकॉज लक फैक्टर जो होता है सिर्फ 5% भी नहीं डालता है, ठीक है। हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, तभी आगे बढ़ पाओगे। मैं बता रहा हूँ, सब कुछ वेस्ट जाएगा, लक के भरोसे रहोगे, जिंदगी में लटकते रहोगे, ठीक है। बेटर टू डू हार्ड वर्क एंड बिलीव इन योर सेल्फ, बस इट। करेक्ट। एंड सो थैंक यू सो ऑल मच आपके आपके मेंटरशिप के लिए, ऑल द बेस्ट। आपको मेरा मेंटरशिप अच्छा लगा? बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी लगी, ठीक है। फॉर गॉड ब्लेस, ठीक है। बस आप ऐसे ही मेरे को ब्लेसिंग देते रहना, ठीक है, और या अपनी मैं मेंटरशिप पे हमेशा ही, ठीक है। हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स से, मैं हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ कभी बिल्कुल भी। आप इसलिए आपने देखा भी होगा, जब आपने कोर्स ज्वाइन भी किया था तब भी मैंने ही आपसे बात किया था। कोर्स बिल्कुल के ड्यूरेशन में भी मैं डायरेक्टली स्टूडेंट से कनेक्ट रहता हूँ, और कोर्स के बाद भी जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद भी आपको फॉर्म फिलअप कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो मैं स्टूडेंट्स को कनेक्ट करके गाइड करता हूँ। ये मेरा बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे पास आने के बाद। ये मैं देखा, ये तो मैं हमेशा एडमिट करता हूँ, मैंने आपका आपके ग्रुप में अभी जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अभी आप पोस्ट डालते रहते कंटिन्यू जॉब का, तो ये मैंने देखा हुआ है, ये मैं देख के बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।